नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, ज्योग्राफी का यह 14वां लेक्चर है, यानी 14th नंबर का लेक्चर होगा। आज इसमें हम लोग गहनता से और काफ़ी विशेष तरीके से अध्ययन करेंगे भारत के प्रायद्वीपी पठार के बारे में। क्या होता है प्रायद्वीपी पठार, इस पर भी चर्चा करेंगे और एक समझ बनाएंगे आज कि जो हमने यहाँ पर दिखाया है सारी चीज़ें वो क्या हैं, आखिर किस प्रकार से प्रायद्वीपी पठार बने हैं, जो उत्तर भारत के प्रायद्वीपी पठार हैं यह वाले वो किस प्रकार से बने हैं, और जो आपके पश्चिमी तट और पूर्वी तट वाले पठार हैं तट हैं वो किस प्रकार से बने हैं पहाड़ियाँ, सारी बातें करेंगे। आखिर मैदान किस आधार पर बनता है, क्या पश्चिमी तट पर पूर्वी तट पर भी मैदानी भाग है, अगर है तो किस प्रकार से बना है, ठीक है। और यहाँ पर मेघालय में जो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, और वह पहाड़ियाँ हिमालय की पार्ट हैं या फिर इसी जो प्रायद्वीपी भारत है उसका भाग है, तो सारी बातें चर्चा करेंगे हम बेहतरीन तरीके से। आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। और एक बात, जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है, एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग देख लें, क्योंकि यहाँ से RO ARO UPSC UPPCS स्टेट PSC जितने भी एग्जाम्स होते हैं स्टेट के सारे, इसके बाद UP तिब्बत SC और उसके बाद सुपर टेट हो गया, UP टेट हो गया और आपके CTET हो गए, ये सारे SSC वगैरह, तो सब जगह सारी चीज़ें के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास हैं दोस्तों, फ्री क्लासेस आपको दिए जाते हैं। और यहाँ से भी जैसे कि अगर बात करें बहुत ज़्यादा आपका जो EVS का सेशन है, EVS का बहुत सारा सेक्शन जो है ना हमारे इस पार्ट से मिलता है, ठीक है, प्रायद्वीपी पठार। तो ध्यान से अब हमको ध्यान से पहले सुनेंगे, इसमें हम आपको कुछ चर्चा करेंगे, इसके बाद स्टार्ट करेंगे। प्रायद्वीपी भारत का पठार दोस्तों आप देख रहे हैं जो ग्रीन कलर से, यहाँ पे लाइनिंग आपको दिख रहा होगा, ये ग्रीन कलर वाला देख रहे हैं इस प्रकार से, जो ग्रीन कलर से जो ये लाइनिंग है यहाँ पे इस प्रकार चारों तरफ से, ये ग्रीन कलर से जो लाइन है दोस्तों, यानी कि जो इस प्रकार से बनाया गया है, अगर हम उसको हम निकाल दें तो कुछ इस प्रकार से बनना मिलेगा हमको, है ना, कुछ इस प्रकार से बना हुआ इस प्रकार से मिलेगा, इस प्रकार से मिलेगा। जो यह वाला भारत का पार्ट है, यह वाला पार्ट पूरा का पूरा भारत का प्रायद्वीपी पठार है, और प्रायद्वीपी पठार ही एक अलग भूखंड था पहले, समझ रहे हैं। अब ध्यान से देखेंगे जो यह बड़ा कलर का दिखाया गया है, बड़े कलर से मतलब कि बड़ा से दिखाया गया, आपका ग्रीन कलर से ही बड़ा दिखाया गया है, वह आपका थोड़ा बड़ा पठार है बस, और जो ये लाइनिंग है उसके अंदर जो रेड रेड है दिखाई गए पहाड़ियां हैं बस, बशर्ते यह है कि हिमालय भी एक पहाड़ी ही थी, हिमालय पहाड़ी की श्रृंखला ही तो थी, पहले क्या था शिवालिक हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर उसके बाद महान हिमालय, फिर ऊपर ट्रांस हिमालय थी, ट्रांस हिमालय में तीन श्रेणियां प्रमुख थी, काराकोरम लद्दाख जासकर, है ना, यही तो था। और इसके बाद आपका यह भी एक तरह से पहाड़ियाँ, इसमें भी पहाड़ियाँ चोटियाँ स्थित हैं, जो आपका प्रायद्वीपी पठार है इसमें भी पहाड़ियाँ चोटियाँ जो भी स्थित हैं, लेकिन जिस प्रकार से हिमालय की श्रेणियों में हमने देखा था कि 6000 से लेकर लगभग अगर शिवालिक की बात करें तो 800 से लेकर 900 मीटर तक की पहाड़ियाँ स्थित थी, तो हम इसमें भी कह सकते हैं पहाड़ियाँ तो स्थित हैं एवरेज में, लेकिन कंपेयर टू अगर हिमालय का करें तो हिमालय के कंपेयर में इसकी ऊँचाई जो होगी यहाँ की चोटियों का कम है, जैसे अन्नामलाई चोटी है, दुद्दा बेटा चोटी है, राजमहल की श्रेणियाँ हैं, आपका विंध्याचल की श्रेणी है, इसके बाद सतपुड़ा श्रेणी है, इससे भी बहुत सारी चोटियाँ मिलेंगी आपको, महादेव की चोटियाँ मिलेगी महाराष्ट्र वाले इलाके में, तो ये सब क्या है, ये सभी चोटियाँ ही हैं, पहाड़ियाँ ही हैं, लेकिन कंपेयर अगर करेंगे हिमालय से तो छोटी होंगी, उनका ऊंचाई क्या होगा, हाइट छोटा होगा। तो याद रखिए जो यह रेड कलर से बनाया गया है आपकी सारी पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ी की श्रेणियाँ हैं यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, और जो यह चीज़ बनाया गया, जैसे यह क्या है आपका मालवा का पठार है, यह पठार का ही भाग है लेकिन थोड़ा सा बड़ा पठार में है, और ये देख रहे हैं ये छोटा नागपुर का पठार है जिसे हम भारत का रूर कहते हैं, है ना, भारत की छत मतलब पूरे विश्व का छत तो तिब्बत को पठार को कहते हैं, लेकिन भारत की रूर यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा मटेरियल्स वगैरह खान वगैरह भारत के हैं उसे भारत का रूर बोला जाता है, यानी कि छोटा नागपुर का पठार, ठीक है दोस्तों। और यह दंडकारण्य पठार है, यह दंडकारण्य पठार है दोस्तों, दंडकारण्य पठार। अब देखिए पठार का मतलब यह कि अगर इधर से सारी नदियाँ कहाँ पे मिलती हैं, अरब सागर में, और इधर की सारी नदियाँ छोटा नाग सॉरी यहाँ बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं, तो इधर पूरा का पूरा इधर की सारी नदियाँ इस तरफ पूर्वी घाटी की और पश्चिमी तट की इस तरफ, तो इस प्रकार से हमारी पठार की संरचना बनती है, ठीक है, अभी लिखेंगे नहीं।
भूगोल क्या है? भूगोल एक दोस्तों कल्पना है, कल्पना पर आधारित है। जितना ज़्यादा आप कल्पना कर सकते हैं करिए। वैसे रटना होता तो रट सकते हैं कि कौन सा पठार किस राज्य में हमारे स्थित है और यह वाला पठार किस राज्य में स्थित है, तो पठारी भाग पहाड़ियों को रट सकते हैं। लेकिन अगर कल्पना करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा चीज़ आप सीख सकते हैं उसमें। अब हम स्टार्ट करें, ध्यान सुनिएगा। जो प्रायद्वीपी पठार है हमारा, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। जो हमने पढ़ा था, अगर आप प्लेलिस्ट में आकर देखेंगे दोस्तों, प्लेलिस्ट में इसके पहले हमने आपको बताया था वैगनर का सिद्धांत। वैगनर ने बताया था जो हमारा यह वाला तट है, अगर हम इस तरह से कुछ बनाएं आकृति, इस प्रकार से आकृति बना दें पृथ्वी के, पूरे पृथ्वी का, तो इसमें बीच वाला जो सागर था, बीच वाला जो हिस्सा था, यह पैंथालासा सागर था। क्या था? पैंथालासा सागर था। और ऊपर वाला, नीचे वाला गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, गोंडवाना लैंड, और ऊपर वाला अंगारा लैंड दोस्तों, यह पैंथालासा सागर है। अब हमारा जो प्रायद्वीपी पठार है, प्रायद्वीपी भारत है, प्रायद्वीपी भारतीय पठार है, वह भी गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है। गोंडवाना प्लेट जो है उसी का पार्ट है। टेक्टोनिक प्लेटों के कारण, बहुत ज़्यादा हलचल के कारण, यह पहले अफ्रीका के तट पे आता है, इस प्रकार से लगा रहता। फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमेशा जो आपका महाद्वीप है, महाद्वीप प्रभावित हो रहे हैं। हमारा महाद्वीप, अगर हम बात करें एशिया महाद्वीप, भारत जो स्थित है दक्षिण एशिया महाद्वीप में, यह पर ईयर 3 point something या फिर 3.5 centimeter कह लीजिए, इतने स्पीड से यह प्रभावित है उत्तर और पूर्व की तरफ। यह उत्तर होगा या पूर्व हुआ, तो उत्तर और पूर्व की तरफ इस तरह से हमारा भारतीय प्लेट प्रभावित हो रहा है, इस प्रकार से, समझ रहे हैं। जो नीचे हिंद महासागर में जितने भी आइलैंड्स हैं, जैसे जैसे आपका मेडागास्कर द्वीप है, मालदीप है, इसके बाद आपका सेचल्स हैं, यह सब सारे द्वीप क्या हैं, रीयूनियन है। ये सब सारे द्वीप जो हैं दोस्तों, एक दिन आगे भारत में इस तरह लग जाएंगे, समझ रहे हैं, या फिर कुछ अरब की खाड़ी की तरफ चले जाएंगे और कुछ इधर आ जाएंगे। इसी प्रकार वैगनर ने बताया था, हमने बताया था आपको उस समय, आप अगर देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, जिस समय हम लोग उत्थान पढ़ रहे थे हिमालय का, उसमें हमने पढ़ाया था आपको कि जब इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं, ये गोंडवाना लैंड, अंगारा है, इधर से सारी नदियां प्रभावित होती हैं, और पैंथालासा को इस प्रकार, जैसे यह क्या है हमारा, इस प्रकार से मान लीजिए बना है, और इस प्रकार से यह चीज़ है, यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ इस प्रकार से आई और इस पूरे खड्ड को भरती चली गई। इस प्रकार से पूरा यहाँ पे मिट्टियों का, बालू का, एक तरह से क्या कर दी, जमाव कर दी। अब जमाव करने की वजह से यह अवतलित हो गया। अवतलित होने का मतलब यह नीचे धस गया। तो अब क्या होगा, अगर यह पूरी की पूरी पठार, यह पूरी के पूरा जो गोंडवाना लैंड है अंगारा से लड़ेगा, तो बीच में क्या पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो मलबे भरे हैं, तो अवतलन होने की वजह से जब ये लड़ेगा, या दोनों एक दूसरे में लड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, इस प्रकार से मोड़ बनेगा, ऐसे वलन पड़ जाएगा, और यही इसी वलन से हमारे हिमालय का निर्माण हुआ था, यह बात हमने पढ़ा था। सेम वही चीज़ हमारा गोंडवाना लैंड है, यही गोंडवाना जो पार्ट है, इसी को हम बोलते हैं क्या, इस पूरे गोंडवाना पार्ट को दोस्तों, जो यह पूरा बनाया गया था अभी, यह पूरा गोंडवाना पार्ट हमारा प्रायद्वीपी भारतीय पठार है, इस बात को याद रखेंगे। जैसे एक चीज़ हम आपको और समझा दें, समझ पहले बना लीजिए, फिर उसके बाद सारी चीज़ें आप खुद लिख लेंगे, अपने से लिखेंगे, हम बोलते चलेंगे, एक चीज़ आप लिखते चलिएगा। जैसे हम बोलें कि अगर इस प्रकार से कुछ संरचना है, तो यह थोड़ा सा ऊंचा होगा, इससे ऊंचा यह होगा, इससे ऊंचा यह होगा, इस प्रकार से बनेगा। यह हमारा क्या है, प्रायद्वीपी भारतीय पठार हैं सब। इससे ऊंचा शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, इससे ऊंचा लघु हिमालय यानी कि मध्य हिमालय, इससे ऊंचा हमारा महान हिमालय है, यानी कि बृहत हिमालय है। तो सबसे ऊंचा तो बृहत हिमालय है, उसके नीचे लघु हिमालय यानी कि मध्य हिमालय, उसके नीचे पाद हिमालय या फिर बाह हिमालय या फिर शिवालिक हिमालय, उसके नीचे मेन जो है सबसे नीचे हमारा प्रायद्वीपी की पठारियाँ, प्रायद्वीपी भारतीय पठार पाए जाते हैं, जो सबसे नीचे हैं। अगर यह साउथ है हमारा, यह हमारा नॉर्थ है दोस्तों, तो इस प्रकार से है, देख सकते हैं आपने पूरा मैप, थोड़ा सा इस चलचित्र को अपने अंदर, अपने आँख में, अपने दिमाग में इमेजिन करिए, तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी, यह चीज़ें हो गई। अब देखिए ध्यान से, उत्तर भारत, इलाहाबाद, बनारस, यह पूरा एक सोखता ही तो है। जैसे अगर बोले हम, ये देख रहे हैं जो नीले कलर से बना है, ये गंगा नदी है, यह यमुना नदी है, यह आपका केन है, यह केन नदी, यह बेतवा नदी है, यह केन नदी, यह बेतवा नदी, यह आपका, इस तरह बहुत सारी नदियाँ इस पूरे मालवा के पठार से बहती हैं, जैसे कि सिंध हो गया, केन हो गया,
बेतवा हो गई, जो कि यमुना में जाके मिलती हैं, है ना। यह भी कारण है क्यों जाती हैं, ध्यान से सुनिए। अब दोस्तों जो यह वाला पोर्शन है हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला, यहाँ पर गंगा बहती है, यमुना बहती है, और यहाँ से सोन नदी जाती है, पटना में मिलती है। सोन नदी आपको पता है ना, इस पर्ले पठार से निकलती है, यहाँ से निकलती है, और इस प्रकार जाके जो आपका यह विंध्य श्रेणी देख रहे हैं, विंध्य श्रेणी से निकलेगी और जाकर पटना में मिल जाती है, पटना में। और जो यमुना मिलती है गंगा नदी में, वह इलाहाबाद में मिलती है, इलाहाबाद बनारस मतलब इलाहाबाद में मिलती है। चीज़ याद रखिए, उत्तर भारत इलाहाबाद बनारस यह पूरा एक सोखता ही है, सोखता जो बरसात के पानी और नदियों के पानी को क्या करता है, सोख लेता है। नदियों के पानी हो गए और बरसात के पानी को सोख लेगा, सोखने के ही कारण उत्तर भारत के मैदान बने हैं। अब क्या होगा आप बताइए, अगर हम चाहते हैं यह पूरा उत्तर भारत का मैदान है, इस प्रकार से बन जाता है, मान लीजिए इस प्रकार से उत्तर भारत का मैदान इस प्रकार से बना है, इस प्रकार से यहाँ पर सारी नदियाँ आ गई अपना बालू मिट्टी पत्थर लेकर, यहाँ पर जमाव करने लगी। तो उत्तर भारत में कभी आपने सुना है, बहुत कम सुना होगा, कि दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में पानी की कमी होती होगी, पानी की कमी नहीं होती है, बशर्ते यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर यहाँ पर हम लोग बोरिंग करें तो हमको कुछ ऊपर ही दक्षिण भारत की अपेक्षा कुछ ऊपर यहाँ पे पानी मिल जाएगा मैदानी भाग में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मलबे जमे हैं। अब जब तक हम इसको खुदाई करते रहेंगे तब तक यहाँ पे पानी निकलेगा, लेकिन जैसे ही हम इस वाले पोर्शन पे आ जाएंगे नीचे, हमें पठारी इलाके मिल जाएंगे देखने को, पठारी हिस्सा मतलब गोंडवाना लैंड का पठार हमको मिल जाएगा देखने को। बस इस प्रकार से आप समझ जाएंगे, मतलब एक तरह से सोखता है, सोखता होता है ना, जब कोई पानी आता रहता है उसको सोख लेता है, ऐसे सक करेगा, फिर उसे छोड़ेंगे हम लोग तो पानी निकलेगा, इस प्रकार से होता है ना। बस वही आपका यह वाला पूरा जो गंगा का तंत्र है, यमुना वाला तंत्र है, यह पूरा का पूरा बेल्ट एक तरह से सोखता है, जो कि बरसात के पानी को, हिमालय के पानियाँ को, हिमालय के जितने भी ग्लेशियर से पानी आती हैं, क्योंकि गंगा यमुना ये सब क्या है, सतत वाहिनी नदियाँ हैं, हमेशा निरंतर बहती रहती हैं, निरंतरता। हिमालय बनने से पूर्व भी यह बहती थी और हिमालय बनने के बाद भी यह बह रही, इस प्रकार से इन्हें क्या कहते हैं, सतत वाहिनी। सतत वाहिनी का मतलब हो गया हमेशा इसे पानी भरा रहना, ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों। तो आप समझ गए चट्टान की स्थिति क्या है, यह आपने समझा कि किस प्रकार से यह वाला पूरा पठारी बेल्ट बना है। अब एक चीज़ और सुनेंगे, देखेंगे दोस्तों, अच्छा यह नदियाँ क्यों इधर ही बह रही हैं, क्योंकि जो देख रहे हैं दक्षिण से जा रही है या केन बेतवा और इधर से सोन नदी उधर की तरफ जा रही है, क्यों? यमुना देख रहे हैं गंगा नदी में मिलने वाली बाएँ तट से दाहिने तट से, जो कि सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ा नदी यही तो है यमुना, जो कि गंगा नदी में सबसे बाएं तट से सॉरी दाएं तट से मिलता है, यही तो है ना। और दक्षिण से होकर जाने वाली एकमात्र नदी जो सीधे होकर जाती है सोन नदी, वो पटना में मिलती है। ये सब क्यों उधर ही जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारा पठारी वाला हिस्सा है यह वाला पोर्शन इस प्रकार से झुका हुआ, ऐसे ढलान उस तरफ है, जब ढलान उस तरफ होगा तो सारी नदियाँ उधर ही बहेंगी और यहाँ पर एक मैदानी भाग बन जाएगा दोस्तों। फीलिंग एक तरह से होता है ना, कल्पना करना, जितना ज़्यादा कल्पना कर सकते हैं आप उतनी सारी चीज़ उतनी अच्छे से आप ज्योग्राफी को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि कल्पना पे आधारित है, हमने देखा है इस चीज़ को समझा है। रटने से कुछ नहीं होता है, रटने के लिए तो लूसेंट भी पर्याप्त है, आप लूसेंट उठाइए उसी जगह से सारी चीज़ें आते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन आप अगर इसको कल्पना कर लेते हैं तो पता है बेहतरीन तरीके से आंसर राइटिंग कर लेंगे, कोई भी चीज़ लिखने को आएगा लिख लेंगे, आखिर क्यों बना पठार, कारण क्या है पठार बनने का, तो आखिर क्यों सारी नदियाँ इधर ही बहती हैं, तो आप बताएंगे जो सारी नदियाँ, जो हमारा प्रायद्वीपीय भारतीय पठार है, यह उत्तर वाला किस साइड झुका है, उत्तर की तरफ झुका है और दक्षिण की तरफ उठा हुआ है, थोड़ा सा उठा हुआ है, जो यह मालवा का पठार है ना, यह पूरा का पूरा उधर झुका हुआ है, ऐसे इस प्रकार से ऐसे झुका हुआ है। तो सारी नदियाँ यहाँ से निकलती तो हैं, इधर से लाखों नदियाँ आती हैं, सॉरी लाखों नहीं हजारों नदियाँ, यहाँ पर हजारों नदियों की संख्या है, हमने तो 3-4 दिखाया है, हम लोग नदियों के वीडियो में बहुत सारी नदियाँ पढ़ेंगे। यहाँ पे जो नदी है इस तरफ जाती है, कारण कि जो पठार है हमारा झुका हुआ किस साइड, उस तरफ, उत्तर की तरफ। समझाएगा, समझा गया ये बात, अब बताइए किसे नहीं समझाया गया। बालू पत्थर काटती है यहाँ पे लाके जमाव करती है, तो यह वाला पूरा का पूरा मैदानी भाग बना है। अच्छा अब बताएंगे उसी प्रकार जैसे यह जो पठार बना है या फिर जो यह मैदानी भाग बना है, क्या यह कुछ समय में बना? नहीं, यह कटते पाटते हुए मतलब कि हजारों सौ वर्षों नहीं दोस्तों, लाखों वर्षों तक ये काम होता रहा। इस तरह की नदियां लाखों वर्षों तक अपनी जमाव यहाँ पे करती रही, मिट्टी का, बालू का। इसके बाद
इसमें अवतलन पढ़ने लगा, अवतलन पढ़ने लगा यानी कि वलन पढ़ने लगा, वो अवतलन की वजह से वलन पढ़ने लगा, इस प्रकार से ऐसे वलन पढ़ने लगा। वलन के कारण ही इसमें यहाँ पर आपको बहुत सारे छोटे छोटे पहाड़ियाँ देखने को मिल जाते हैं, समझाएंगे आज, समझ लीजिए, एक समझ बना लीजिए, मतलब अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अच्छा अब बताइए जो पश्चिमी घाटी है पूर्वी घाटी है, क्या सर यह जो आप ग्रीन कलर का जो लाइन बनाए इसकी इधर वाला क्यों क्या है? दोस्तों अगर हम बता दें आपको, ये हमारा पश्चिमी, ये हमारा प्रायद्वीपी भारतीय है, प्रायद्वीपी भारत है, तो यहाँ तो जो पठार है इस प्रकार से पठार है, लेकिन यह वाला हिस्सा मैदानी भाग है, तो क्या सर यहाँ पर भी नदियाँ इसी प्रकार से जैसे पूर्व में बनाई हैं, यानी कि उत्तर में जैसे जिस प्रकार से मैदानी भाग बना है उसी प्रकार से यहाँ भी बना होगा? बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। जैसे कि हम बोलें, इसको इरेज करते हैं, देखिए आपको यह चीज़ क्या बताया हमने, यह आपका क्या है दोस्तों, प्रायद्वीपी भारतीय पठार है, प्रायद्वीपी भारतीय पठार है। इसके आने के बाद यह चीज़ टूट कर यहाँ पर लगने के बाद, अब ऐसा तो नहीं यहाँ से नदियाँ इधर ही बहती हों, किधर, केवल अंदर की तरफ या फिर केवल इधर ही बहती, यहाँ भी तो पठार हैं, यहाँ भी बहुत सारे पठार हैं, पहाड़ियाँ हैं, बहुत सारे पहाड़ियाँ पठार हैं यहाँ पर, और यहीं पर नील नदी है जो कि एक बहुत बड़ा गांठ है पूर्वी पश्चिमी तट और पूर्वी तट को जोड़ने पर, जोड़ती है जो, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, नीलगिरी पर्वत कहते हैं, नीलगिरी गांठ कहते हैं, नीलगिरी गांठ ही है जो कि पश्चिमी तट और पूर्वी तट को बांधे हुई है। और आप अपेक्षा देखेंगे इस पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट बहुत ज़्यादा कटा छटा है। क्यों? इसका कारण यह है कि यहाँ बहुत सारी नदियाँ इस प्रकार से ऐसे जाती हैं, यहाँ पता है महानदी हो गया, कृष्णा नदी हो गई, कृष्णा नदी नीचे है, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, गोदावरी हो गया, महानदी हो गया, ये सब सारी नदियाँ किधर बहती हैं, जैसे गंगा हो गया, और गंगा में मिलने वाली बहुत उसकी सहायक नदियाँ हैं, गंगा में मिल जाती हैं, हुगली नदी हो गई, सब की सब नदियाँ क्या किधर बहती हैं, इस साइड पूरब की तरफ। तो पता है इस हमारे इलाके को जो पूर्वी तट है, पूर्वी घाटी है, पूर्वी पहाड़ियाँ हैं, उसको बहुत ही काट छाटती हैं, काटने छाटने की वजह से यहाँ पर पता है क्या बन गया, अवनालिका अपरदन हो गया है। अवनालिका अपरदन मतलब समझ रहे, वहाँ पे खड्डे बन गए हैं, खड्डे मतलब कि अगर हम बनाएं इस प्रकार सा या इस प्रकार से, यह पहाड़ी है तो इस प्रकार से नदियों ने क्या बना दिए, खड्डे बना दिए हैं। अभी हम एक चीज़ आपको बताएंगे, अभी ध्यान से बस इसको देख लीजिए, खड्डे बना दिए, इस खड्डे में बहुत ज़्यादा क्या जगह, मतलब बहुत ज़्यादा एक तरह से सोखता के रूप में जगह बन गया है, अब वहाँ पर लोग बसे हुए हैं। अब यहाँ पर सीधी घाटियाँ हैं, यहाँ पर जो घाटियाँ बनी हुई हैं, जो यह खड्डे बने हुए हैं, जो यह अवनालिका बना हुआ है ना, पानी के बहने से पठारी कट गए हैं, पठार के कटने से जो अवनालिका बन गया है वहाँ पर लोग रहते हैं। यह पूर्वी तट और पश्चिमी तट पर तो सीधा बना है, ये चीज़ ध्यान में रखें, सीधा बना है, इस वजह से प्रशासनिक जो सेवा होती है यहाँ पर अगर कोई छुप जाता है तो उसको हम आसानी से क्या करते हैं, हाथकंडे अपना कर उसको पकड़ सकते हैं, जितने भी आपके चोर डकैत होते हैं। पहले क्या होता था कि प्रशासनिक जो हमारा प्रशासनिक सेवा थी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती थी और इनको पकड़ने में असफल हो जाती थी, क्योंकि आपने देखा होगा दोस्तों चंबल की खाड़ी जो राजस्थान या राजस्थान वाला बेल्ट या उत्तर वाला, उत्तर प्रदेश वाला, इधर आपका मध्य प्रदेश वाला, इसके बीच में ही पूरा चंबल की घाटियाँ फैली हुई हैं। चंबल की घाटियाँ भी इसी तरह हुआ है, बहुत सारी नदियाँ उसे काट दी हैं और इतना तरीके से काटी हैं, उसे बोलते हैं बीहड़ मतलब कि बहुत जगह बना दी हैं, उसमें जो आदि हो जाता है उसमें रहने का, उसी को सारी रास्ते पते होते हैं। तो डाकू डकैत जो आपने सुना होगा, एक मूवी भी बनी है उस पर ना, देख सकते हैं आप मूवी को, जिसमें ठाकुर मेरा हाथ मटका इस तरह था है ना, उसमें देख सकते हैं जो डाकू रहता है वह इसी वाले बेल्ट में छुपा रहता है और इसी का वो मूवी है। लेकिन अब ऐसा नहीं देखने को मिलता है, क्यों? क्योंकि प्रशासनिक सेवा जो हमारी है अब हर तरफ फैल चुकी है, मतलब हर जगह पहुंच उसका हो गया है, चाहे वो घाटी हो, चाहे दर्रा हो, चाहे जो, इस वजह से अब हमको डाकुओं की संख्या कम देखने को मिलती है, इसी याद रखेंगे। अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये सारी चीज़ें होंगी, अब इधर वाला हम आपको बताते हैं क्यों बना, क्योंकि हमने बताया आपको ये आपका पश्चिमी तट है, तो इधर से बहुत सारी नदियाँ इस तरफ बह रही हैं, बहुत सारी हजारों नदियाँ हैं। जैसे आपको पता है कि यहाँ पर देखिए आप माहे नदी है, इधर आपका नर्मदा नदी है, सबसे बड़ी नदी में जो पश्चिम की तरफ आती नर्मदा नदी है, फिर उसके बाद तापी नदियां हैं, तापी हो गया, साबरमती हो गई, नर्मदा हो गई, और आपका माही हो गया, यह खंबात की खाड़ी है आपका, इसमें आके गिरती है, यहां से निकलती है आपका, यह आपका विंध्याचल श्रेणी है, यह आपका सतपुड़ा श्रेणी है, तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी बहती है, और इधर आपका क्या सतपुड़ा है, सतपुड़ा और इधर सतपुड़ा, एक मिनट,
जब विंध्यन श्रेणी, विंध्यन श्रेणी और सतपुड़ा के बीच में कौन सा नदी बहता है दोस्तों, तो बता देंगे आप कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी बहती है। इसके दक्षिण में ये आपका देख रहे हैं ये सतपुड़ा, सतपुड़ा के दक्षिण में तापी नदी बहती है, तापी नदी बहती है और यहाँ पे आके खंबाती खाड़ी में अपना जल घिराती है। तो यहाँ पे भी अवनालिका अपरदन हुआ है, अवनालिका अपरदन हुआ है और यहाँ पे भी खड्डे बने हैं। मतलब कि जगह बन गया, स्पेस, वहाँ की चीज़ें, वहाँ की मिट्टी जो है धस गई है, धसने की वजह से वहाँ पर इन नदियों द्वारा मलबा ला के भर दिया गया है। जब मलबा वहाँ पर भर गया है, उसे पाट दिया गया है, तो अगर यहाँ पे दो पहाड़ियाँ लड़ेंगी, जाहिर सी बात है लड़ी होंगी, तो यहाँ पर हमको छोटे छोटे पहाड़ियाँ देखने को मिलते हैं। यह इसे बोलते हैं नर्मदा घाटी और इसे बोलते हैं हम लोग तापी घाटी। याद रखिए, तापी घाटी से लेकर इधर पूरा यह नीलगिरी का दोस्तों गांठ है, नीलगिरी की गांठ तक का यह क्षेत्र हमारा, यह क्या कहलाता है, पश्चिमी तट कहलाता है। पश्चिमी तट से भी बहुत सारी नदियाँ इस तरफ आ रही हैं, ऐसे ऐसे आ रही हैं, तो यहाँ पर भी अपना मलबा जमा करती हैं। बालू हो गया, आपका मिट्टी हो गई, चट्टानों का छोटे छोटे टुकड़े हो गए, जो ला के इस प्रकार से इसको भर देता है। भरने की वजह से यह मैदान बन गया है, इधर वाला पोर्शन हमारा मैदान हो गया है। तो यहाँ पर मुंबई हो गया, जैसे मुंबई में आपने एलिफेंटा द्वीप सुने होंगे, तो एलिफेंटा द्वीप बिल्कुल मुंबई के आसपास ही है ना, बहुत सारे इस प्रकार के द्वीप और इधर मैदानी भाग है। कंपेयर टू जैसे हम बात करें, ऐसे ऐसे बना हुआ है इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से बना हुआ है और इस प्रकार से देख लीजिए, ऐसे ऐसे बना है। यह वाला ऊंचा है और यह वाला नीचा है, इधर मैदानी भाग है, इसी प्रकार पूर्व में भी इधर मैदानी भाग है लेकिन इधर ऊंचाई पर है, यह चीज़ है, इसको ध्यान देंगे दोस्तों, क्योंकि यह आपको समझ में आना चाहिए, मैदानी भाग जो आपका पश्चिमी तट पे है किस प्रकार से बना है। ठीक है, यह बात समझ में आ गया। चलिए अब कुछ चीज़ें लिख लीजिए, लिखिए। पहला चीज़, भारत के प्रायद्वीपीय पठारी भाग गोंडवानालैंड के ही पार्ट हैं, यह लिखिए पहली चीज़। दूसरी चीज़, प्रायद्वीपीय भारत के पठार पश्चिम की तरफ प्रभावित हो रही हैं, किधर, पश्चिम की तरफ, जो प्रायद्वीपीय भारत के पठार हैं वह पश्चिम की तरफ प्रभावित हो रहे हैं, मतलब इस तरफ, पश्चिम इधर है ना, तो इस तरफ प्रभावित हो रहे हैं, ऐसे इस प्रकार से प्रभावित हो रहे हैं दोस्तों, याद रखेंगे। इसके बाद और लिखिएगा उसमें, प्रायद्वीपीय भारत का पठार हिमालय के बहुत प्राचीन है, हिमालय से बहुत ज़्यादा प्राचीन है यह पठार, समझ रहे हैं, इस वजह से इसमें उत्थान नहीं होता है और हिमालय में आज भी उत्थान हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे हमेशा भूस्खलन होता रहता है, सारी चीज़ें सरकती रहती हैं, वहाँ पहाड़ियाँ सरक जाती हैं और वहाँ पर अपरदन वगैरह, भू अपरदन होने लगता है, वहाँ पे भूकंप आने लगते हैं। क्यों, क्योंकि जब कोई चीज़ जब हिमालय उठ रहा है तो अंदर क्या होगा, हलचल होगा, हलचल होगा तो जाहिर सी बात है ज़मीनें हिल जाएंगी और ज़मीनें हिलेंगी तो अंदर से जो तरंगे निकलती हैं PSL या प्रगामी तरंगे हैं, एक प्रकार से कहिए भूकंपी तरंगे हैं, भूकंपी तरंगे जब निकलती हैं तो ऊपर आने की कोशिश करते हैं अपने एपी सेंटर पर, है ना, मुख्य मुख्य बिंदु पे आती हैं, तो वही सीधे सारी चीज़ें फैला देती हैं और यहाँ पर भूकंपित पूरा क्षेत्र बना हुआ है। तो जो हिमालय वाला पूरा पोर्शन है दोस्तों, ये ऊपर उठने की वजह से यहाँ भूकंप जोन 1 में रखा गया है, इसे याद रखेंगे। इसके बाद आगे लिखिएगा, उत्तर पूर्वी, जो इधर की पूरी, ये उत्तर पूर्वी इधर है ना, ये वाला देख रहे हैं, ये वाला क्षेत्र यहाँ पर क्या, राजमहल की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, राजमहल की पहाड़ियाँ हैं और इसी का हिस्सा यह है, यह देख रहे हैं गारो, खासी, जयंतिया, यह तीनों पहाड़ियाँ किसकी हिस्से हैं, तो बताएंगे दोस्तों प्रायद्वीपी भारत के ही हिस्से हैं। सर कैसे अलग हो गए फिर, तो बताएंगे दोस्तों यहाँ पर कौन सी नदी आ रही है, तो बोलेंगे सर यहाँ पर जो नदी आ रही है उसको हम कौन सी नदी नाम देते हैं, तो बताइए ये गंगा नदी है दोस्तों, कौन सी नदी है, गंगा नदी है। और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है तिब्बत से होकर दोस्तों, जिसे तिब्बत में सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में से दिहांग या फिर दिबांग कहते हैं और यहाँ पर असम में माजुली द्वीप का निर्माण करती है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप, जो कि असम के माजुली जिले में स्थित है, वह आती है, तो इसे हम ब्रह्मपुत्र का नाम जो देते हैं दोस्तों असम में देते हैं, असम से फिर यह एंट्री करती है, यहाँ पर इसका नाम पड़ जाता है यमुना नहीं, ब्रह्मपुत्र का नाम बहुत बार चेंज होता है, तो यहाँ पर यमुना कहते हैं बांग्लादेश में। फिर जब यह गंगा नदी में मिल जाती है तो यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाता है, पद्मा बोला जाता है। तो याद रखेंगे संयुक्त धारा गंगा और ब्रह्मपुत्र को, वैसे तो मिलती हजारों नदियाँ, यह पूरा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया जाता है बंगाल की खाड़ी में, याद रखेंगे दोस्तों बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किसके द्वारा बनाया जाता है, डेल्टा का मतलब हो गया इस प्रकार से नदियाँ अपना पानी गिराती हैं, यह डेल्टा नुमा आकृति बनाती हैं, नदियों में हम लोग पढ़ेंगे।
यह हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ सर, तो यह सारी चीज़ें कट गई, जैसे आपने देखा, हमने बताया ना, अब यह पूरा ऐसे था, पूरा सटा था, तो यहाँ पूरा हिस्सा जो ये आपका राजमहल की पहाड़ियाँ, राजमहल का हिस्सा था गारो खासी जयंतियाँ, लेकिन इसे नदियों ने पाट दिया, नदियों ने काट दिया, काटने की वजह से इस प्रकार से बन गया, और यहाँ पे मलबे वगैरह जमे हो गए। अब इस वजह से क्या हुआ, पहाड़ियाँ कट गई, ये कटने की वजह से इधर वाला अलग हो गया, इधर वाला अलग हो गया। अब जो मलबे पटे हैं, जो पाटे गए हैं, उसी से बांग्लादेश का निर्माण हुआ है। बांग्लादेश पूरा मैदानी भाग है, तो बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ है तो बताएंगे, अवतलन से हुआ है। किसके अवतलन से, नदियों की जो लाई गई मिट्टियाँ हैं, बालू हैं, उसके अवतलन से हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी, इधर गंगा नदी और बहुत सारी नदियाँ हैं, है ना, सुबनसिरी वगैरह हैं, तो यह सारी नदियाँ इसे पाट देती हैं, ठीक है ना। तो इधर क्या बन गया है, पूरा का पूरा मैदानी भाग जो कि हमारा बांग्लादेश बना है दोस्तों, बांग्लादेश पूरा मैदानी भाग है, इस चीज़ को याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों जो ये गैप है, जो ये गैप बनाया गया है, उसे कहते हैं मालदा गैप। क्या उनसे गैप नाम देते हैं, मालदा गैप या फिर राजमहल गारो गैप। क्या कहते हैं, राजमहल गारो गैप, क्योंकि यहाँ पे गारो खासी जयंती है, सबसे पहले गारो है, इस वजह से राजमहल यहाँ पर है, तो राजमहल के बाद गारो है, तो राजमहल गारो गैप कहते हैं या फिर मालदा गैप के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये चीज़ याद रखेंगे, ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद चलते हैं यह क्रम, देखिए अब अगर पश्चिमी तट की, यह तो समझ में आ गया आपको ना, यह हमारा मालवा का पठार है। अब देखिए यह चीज़ देख लीजिए, यह क्या है दोस्तों, यह अगर देखें पूरे अपने प्रायद्वीपी पठार में, प्रायद्वीपी पठार में, तो इसे बोलेंगे अरावली श्रेणी, अरावली श्रेणी बोलेंगे। इस अरावली श्रेणी यह भारत के मतलब प्रायद्वीपी पठार के किधर है दोस्तों, पश्चिम में है, पश्चिम उत्तर, उत्तर पश्चिम में है। जिस प्रकार से राजमहल की पहाड़ियाँ पूरे प्रायद्वीपी पठार में पूछा गया है, यह प्रश्न बना है कि राजमहल की पहाड़ियाँ पूरे प्रायद्वीप में, उनका लोकेशन बताइए, तो आप बताएंगे क्या इधर उत्तर है, इधर पूर्व है, तो उत्तर पूर्व में पड़ जाता है, उत्तर पूर्व तो ही है। इसी तरह यह है उत्तर पश्चिम, तो जो हमारा अरावली श्रेणी है, अरावली श्रेणी को कहते हैं सबसे पुरानी श्रेणी, ओल्डेस्ट माउंटेन, ओल्डेस्ट माउंटेन या फिर ओल्डेस्ट श्रेणियाँ, श्रेणी कहते हैं माउंटेन, क्योंकि यहाँ पे बहुत घिसे पिटे पठारी मतलब ये पठार हैं, चोटियाँ हैं, इसी के माउंट आबू क्षेत्र में, क्योंकि इसका जो क्षेत्र है दोस्तों कहाँ से कहाँ तक, दिल्ली से लेकर, दिल्ली रीज जिसे बोलते हैं, दिल्ली रीज से लेकर यहाँ पे गुजरात तक यह फैला हुआ है। गुजरात में एक जगह है दोस्तों जिसका नाम है, दोस्तों गुजरात में एक जगह है उसका नाम आप याद कर सकते हैं, यहाँ तक फैला हुआ है, अभी बता रहे हैं यहाँ तक फैला हुआ है। अब यह यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ, दिल्ली रीज से लेकर गुजरात तक फैला हुआ है, तो आप बताइए पूरी श्रेणी कहाँ, किस किस राज्य में है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर इसका हिस्सा, राजस्थान में है, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात में। अब इसी जगह एक यहीं पर पड़ जाता है दोस्तों क्या, माउंट आबू, राजस्थान में पड़ता है, माउंट आबू के पास ही दिलवाड़ा का मंदिर है, जैन मंदिर है, याद रखेंगे यह अरावली श्रेणी पर स्थित है। और दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं, यह माउंट आबू पर ही, माउंट आबू वाले क्षेत्र में ही सबसे बड़ी शिखर गुरु शिखर, इस अरावली श्रेणी की सबसे बड़ी शिखर गुरु शिखर स्थित है, याद रखेंगे। पूछा जाता है कभी काल के गुरु शिखर किस श्रेणी का भाग है, तो बोलेंगे अरावली श्रेणी का भाग है दोस्तों, यह बात। और बताइए कोई चीज़ छूट रहा है, कोई चीज़, अब एक मिनट हम वीडियो को देख लेते हैं सही चल रहा है कि नहीं, फिर इसके बाद हम जो चीज़ें छूट रही हैं उसको बताते हैं, ठीक है। आपकी कृपा से सारी चीज़ें बेस्ट हैं, वीडियो बहुत सही चल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, ये चीज़ें समझ में आ गई आपको। अब हम चलते हैं इस वाले तट पे, ध्यान से देखिएगा, यह हमने बताया यह विंध्यन श्रेणी है, विंध्यन श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा नदी है, यानी कि नर्मदा घाटी है, नर्मदा घाटी बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या बनाई, अवनालिका बनाई है, जिसे हम क्या कहते हैं, नर्मदा घाटी वाला क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद आपका सतपुड़ा की श्रेणी है, सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है, ताप्ती नदी घाटी से लेकर, ताप्ती नदी घाटी से लेकर नीलगिरी पहाड़ी तक यह पूरा का पूरा क्षेत्र आपका क्या कहलाता है दोस्तों, पश्चिमी तट कहलाता है। क्या कहलाता है, पश्चिमी घाटी या फिर पश्चिमी तट कहते हैं, याद रखेंगे। पश्चिमी घाटी और पूर्वी घाटी पर्वतों का विस्तार कुछ इस प्रकार है, यहाँ पे देख, राजमहल की पहाड़ियों से लेकर यहाँ पर पश्चिमी घाटी या जो गांठ बना है नीलगिरी के, यहाँ तक पूर्वी घाटी का, राजमहल से लेकर पूर्वी घाटी है या नीलगिरी घाट तक आपका क्या है, पूर्वी घाटी है। पूर्वी घाटी में देख रहे हैं दोस्तों, पूर्वी तट पे ये सारी चीज़ें कटी छटी, यहाँ की पहाड़ियाँ इस प्रकार से पैरेलल नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी नदियाँ, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इस प्रकार से बहुत सारी नदियाँ इसे काट दी हैं, ये डेल्टा बनाती हैं, जो नदियाँ इस प्रकार गिरती हैं डेल्टा बनाती हैं, और एस्चुरी बनाती हैं इधर बड़ी नदियाँ, जैसे कि नर्मदा, ताप्ती, ये सारी माही और साबरमती और सिंधु, इधर भी जितनी भी नदियाँ गिरती हैं सब की सब क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं, यह चीज़ें हो गई।
अब एक चीज़ ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर पश्चिमी तट के या फिर दक्षिण भारत का सबसे दक्षिण की पहाड़ी, उसका नाम क्या है, कार्डमम या फिर इलायची या फिर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, ध्यान सुनेंगे। ये गांठ के, ये जो नीलगिरी गांठ है, इसके दक्षिण में पहले पड़ता है क्या, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। अन्नामलाई पहाड़ियाँ के भी दक्षिण में पड़ता है, अन्नामलाई की पहाड़ियों के दक्षिण पड़ता है दोस्तों क्या, कार्डमम या फिर इलायची की पहाड़ियाँ उसे बोलते हैं, कार्डमम या फिर इलायची की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। यह चीज़ है, देखिए इस प्रकार से बना है, आपको दिखाते हैं, देखिएगा इधर इस प्रकार से आपका नीलगिरी की पहाड़ी है, इधर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, इधर आपकी कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं, इस प्रकार से कुछ बना है आकृति। मतलब इस साइड अगर पूछा जाता है आपसे कि जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं इसके दक्षिण में, इसके दक्षिण में कौन सी पहाड़ी है, तो बोलेंगे दोस्तों आप अन्नामलाई यानी कार्डमम की पहाड़ियाँ, ठीक है। अब इधर से अगर आपको पूछा जाता है यह वाली क्या है, इन दोनों के बीच में कौन सी पहाड़ी फैली हुई है, तो बोलेंगे आप कौन सी पहाड़ी दोस्तों, बोलेंगे अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, या कार्डमम या फिर इलायची की पहाड़ियाँ यह वाली हैं, अन्नामलाई हमने बोल दिया था तो माफ़ करिएगा, या फिर नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी के दक्षिण में दोस्तों कार्डमम या फिर इलायची की पहाड़ियाँ, और यह आपका कौन सी पहाड़ी है, अन्नामलाई की पहाड़ी। इस प्रकार से इसका क्रम है, लोकेशन है, कहाँ पर, यहाँ पर पूरा। जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी की गांठ है दोस्तों, यह केरल कर्नाटक तमिलनाडु को जोड़ती हैं आपस में जोड़ती हैं। पूछा जाता है आपसे कि जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वो कितने राज्यों को जोड़ती हैं, बोलेंगे तीन राज्यों को, कौन कौन से, कर्नाटक केरल और तमिलनाडु को जोड़ती है, या फिर इस प्रकार से पूछ लेगा कर्नाटक केरल तमिलनाडु को जोड़ने वाली पहाड़ी का नाम बताइए, तो बोलेंगे आप नीलगिरी की पहाड़ियाँ। पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा विस्तृत रूप किस पहाड़ी का है, किस पहाड़ी या फिर किस श्रेणी का है, तो बोलेंगे नीलगिरी श्रेणी का है, ठीक है। नीलगिरी पर स्थित है आपका दोद्दा बेटा, अन्नामलाई श्रेणी पर अनाईमुडी स्थित है, अनाईमुडी अन्नामलाई का सबसे ऊंची चोटी है, और नीलगिरी का दोद्दा बेटा सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन दक्षिण भारत का दूसरी ऊंची सबसे चोटी दोद्दा बेटा है, और सबसे बड़ी कौन सी है, अनाईमुडी है, अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखेंगे, ठीक है ना। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो दूर हो जाएगा, या फिर कुछ हम चीज़ें गलत बताते हैं तो आप कमेंट कर दिया करिए, उसको हम अगले में सुधार लेंगे दोस्तों, है ना। अब देखिए, अब हमको पढ़ना है दो चीज़ें आज, सिर्फ दो पठारों के नाम हम पढ़ेंगे, दो पठार पढ़ेंगे, एक तो अरावली पहाड़ी के बारे में पढ़ लेते हैं, एक मालवा पठार के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अब यह चीज़ है आपके जो प्रायद्वीपी भारत का पठार है, ये हमने आज समझ बनाया, कल से इस पर एक क्लास दो क्लास और आएंगे 20-20 मिनट के, उसमें आपको पूरा चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है हमें। देखिए ये जो है आपका क्या है दोस्तों, यह है आपका अरावली की पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ियाँ दिल्ली रिज से लेकर कहाँ तक फैली हुई हैं, गुजरात के पालमपुर, अभी हमने बोला था, अभी आपको बताएंगे कहाँ पर, कहाँ तक, गुजरात के पालमपुर तक फैला हुआ है, पालमपुर, गुजरात के पालमपुर से लेकर पालमपुर से लेकर दिल्ली रिज तक 800 किलोमीटर तक फैला हुआ है, यानी कि जो आपकी अरावली श्रेणी है इसकी लंबाई कितनी है, 800 किलोमीटर तक है फैला हुआ है। इसके उत्तर में यहाँ पर दिल्ली रिज है, अभी हमने बताया, और दक्षिण में जारगा की पहाड़ियाँ हैं, जारगा दक्षिण में यहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ है, जारगा की पहाड़ियाँ हैं, याद रखेंगे जारगा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है पूछा जाता है, तो बोलेंगे अरावली श्रेणी पर है। अरावली श्रेणी का किस साइड है भैया, उत्तर पश्चिम दक्षिण पूरा किधर है, तो बोलेंगे दक्षिण की तरफ है, बस मामला फिट, अगर लोकेशन याद है तो सारी चीज़ें याद हैं, ठीक है। इसके उत्तर में दिल्ली रिज और दक्षिण में जारगा की पहाड़ियाँ हैं। अरावली का सर्वोच्च शिखर माउंट आबू में गुरु शिखर स्थित है, कहाँ पर है माउंट आबू, बिल्कुल इसके ऊपर, जो पालमपुर है गुजरात का, इसके ऊपर यहीं पर स्थित है माउंट आबू, जो कि राजस्थान में पड़ता है। अगर पूछा जाता है राजस्थान की भी सबसे बड़ी चोटी, सबसे सर्वोच्च चोटी, तो बोलेंगे दोस्तों गुरु शिखर, याद रखेंगे दोस्तों, बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं आप और बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर हैं। अब माउंट आबू में ही, अभी हमने बताया था आपको, एक दिलवाड़ा मंदिर है, दिलवाड़ा भी बोलते हैं, लिखने को दिलवाड़ा लिखते हैं लेकिन बोला जाता है दिलवाड़ा, अगर आप टाइपिंग करेंगे दिलवाड़ा तभी लिखेगा दिलवाड़ा, अन्यथा नहीं लिखेगा, समझ रहे हैं, या फिर आप माइक में बोलेंगे गूगल माइक में तब दिलवाड़ा, तब लिखेगा दिलवाड़ा, लिखने का कुछ और, प्रोनाउंसिएशन करने का कुछ और, ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो दिलवाड़ा मंदिर दोस्तों माउंट आबू में ही स्थित है, जो कि जैनियों का, जैन धर्म है ना, जो हमारे 24 अनुयायी थे जैन धर्म के, सबसे लास्ट में महावीर थे, सबसे पहले कौन थे दोस्तों, अब बाद वाले तो हमारे महावीर थे जिन्होंने पांच अड़ुवर्त का सिद्धांत भी बनाया था, पांचवा उन्हीं ने बनाया था, है ना, अहिंसा। तो याद रखेंगे दोस्तों, यह हो गया हमारा क्या,
सबसे दक्षिण में माउंट आबू पर स्थित है दिलवाड़ा का मंदिर, जो कि जैनियों का मंदिर है। अब देखिए, बनास नदी अरावली को पश्चिम से पूर्व की ओर काटती है। देखिए कैसे हमने बनाया है ये चीज, देखिए बिल्कुल बीच में यहाँ पे, देखिए यह आपसे पूछा गया है एग्जाम में प्रश्न कि कौन सी नदी है जो अरावली को काट देती है पश्चिम से पूर्व की तरफ, यह पश्चिम के से पूर्व की तरफ काटती हुई आती है बनास नदी और यमुना नदी में मिल जाती है, सॉरी बेतवा नदी में, बेतवा नदी में, यह केन है या बेतवा है, इसी इधर बीच काली नदी बहती है और सिंध नदी बहती है, यानी कि केन बेतवा सिंध और काली, केन बेतवा सिंध और काली, केन बेतवा सिंध और काली, इधर कौन सी नदी है दोस्तों, यह कौन सी नदी है तो बता देंगे, यह तो यही तो है हमारा जो काट रही है। इसका नाम हमने क्या बताया दोस्तों, इसका नाम याद रखेंगे, यह पूछा जाता है बनास नदी जो अरावली को काट रही है पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ कौन सी नदी है जो अरावली को पार करती है, तो बनास नदी है, बस यही है अरावली में यह पूछा जाता है। अरावली विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है, यह भी पूछा जाता है, बस हो गया अरावली का खत्म पहाड़ी। अब आ जाते हैं मालवा पठार, मालवा पठार यह वाला पूरा का पूरा क्षेत्र जो कि राजस्थान उत्तर प्रदेश के दक्षिण वाले पार्ट में, गुजरात के उत्तर पूर्व वाले पार्ट में और इधर आपका महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के इस वाले बेल्ट में, इसके बाद आपका सबसे ज़्यादा कहाँ पर है दोस्तों, मध्य प्रदेश से फैला हुआ है, ठीक है याद रखेंगे। यह मालवा का पठार चंबल बेतवा काली सिंध नदियों के पाटने की वजह से बना है, हमने बताया था ना, क्योंकि पठार हमारा इस तरफ झुका हुआ है तो इधर से बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, कौन कौन से याद रखेंगे, क्रम से याद रखेंगे, चंबल बेतवा काली सिंध और केन भी बोल सकते हैं, चंबल बेतवा काली सिंध, चंबल बेतवा है तो हजारों नदियाँ, लेकिन प्रमुख नदियाँ हैं जो हमने बनाया हुआ है, यही इसको इस वाले क्षेत्र को पाटती हैं, पाटने की वजह से यहाँ पर पता है ना, जब ये नदियाँ इस पठार में बहती हैं पठार में, तो यहाँ पर इस प्रकार से अवनालिका बनाती हैं, अवनालिका, अवनालिका मतलब खड्ड बनाती हैं, अभी हमने बताया था। ये खड्ड क्या है, डकैतों के छुपने की जगह थे पहले, जैसे हम लोग कहते थे ना चंबल की खाड़ी, चंबल की खाड़ी, और वही उसी प्रकार की खाड़ियाँ यहाँ पे भी देखने को मिलती, इसी को कहते हैं दोस्तों क्या, अवनालिका या फिर खड्ड, अवनालिका खड्ड बीहड़ पठार को बीहड़ भी कहते हैं, बीहड़ का पठार मतलब कि जिससे अवनालिका नालियाँ बन जाती हैं उसे बीहड़ कहते हैं, बीहड़ में ही देखते हैं बहुत ज़्यादा डाकू हो गए, डकैत हो गए, छुपते थे, यह सारी चीज़ें, बस यही था हमारा, ये ढाल था, यह हमने मालवा का पठार का लोकेशन बताया आपको, यहाँ पर यमुना नदी में जाकर यहाँ से बहने वाली सारी नदी यमुना नदी में मिलती है, यमुना नदी पूरा अपना नदी तंत्र लेकर चली जाती है गंगा नदी में, इलाहाबाद में मिलती है, और गंगा नदी 2525 किलोमीटर तय करके चली जाती है बंगाल की खाड़ी में, सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है दोस्तों। यही सारी चीज़ें थी, खड्ड किसे कहते हैं, अवनालिका किसे कहते हैं, अवनालिका अपरदन किसे कहते हैं, अवनालिका अपरदन मतलब कि जो नदियाँ काट देती हैं पठारों को, तो अवनालिका अपरदन हो जाता है, वही नाली नुमा आकृति बन जाता है, तो नाली कहिए या फिर खड्ड कहिए या फिर अवनालिका अपरदन कहिए या फिर बीहड़ कहिए, सारी चीज़ें एक ही हैं, पूछा जाता है तो बता देंगे, लिखने को आएगा तो लिख भी देंगे, ठीक है ना। चलिए इतना बहुत है आज, अब अगर आपको समझ में आया हो तो एक काम करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे भैया, और इस तरह के वीडियो हमेशा आते रहेंगे जब तक ज्योग्राफी नहीं खत्म हो जाता, भले थोड़ा सा एक दो दिन लेट होता है तो परेशान न हुआ करिए, हिंदी का भी सेशन बेहतरीन तरीके से चल रहा है, करंट अफेयर का सेशन भी बेहतरीन तरीके से, सारे सेशन देखिए, क्या दिक्कत है, फ्री में सारी चीज़ें मिल रही है ना। चलिए धन्यवाद मित्रों।